हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। हम लोग कर रहे हैं बीकॉम फोर्थ सेमेस्टर क्वांटिटेटिव टेक्निक्स एंड मेथड्स, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग का मीनिंग और ग्राफिक मेथड के कुछ बेसिक क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। आज हम कुछ टिपिकल क्वेश्चन करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, जैसे हमें क्वेश्चन दिया मिनिमाइज जेड 5x1 + 3x2, ठीक है। देन इक्वेशंस हैं 2x1 + x2 > 3, x1 + x2 > 2, जिसमें x1 और x2 जो है > 0 है, ठीक है। ये तो इसकी कंडीशन होगी। तो हमने करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन से x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो पहले हम ले रहे हैं क्या 2x1 + x2 = 3। x1 0 है तो x2 3 है, x2 0 है तो x1 क्या होगा, x1 होगा 2x1 = 3, x1 = 3/2, ठीक है। इसी तरह से हम फाइंड करेंगे वैल्यू किसकी, जब x1 + x2 = 2, इसको हमने इक्वल साइन में कन्वर्ट कर दिया। x1 0 है, x2 2 है, x2 0 है तो x2 0 है तो x1 क्या आ गया 2, ठीक है जी। तो इस तरह से हमने x1 और x2 की वैल्यूज़ फाइंड की, ठीक है। देन हम इसे ड्रॉ करेंगे। हाँ जी, जब हमने ग्राफ लिया तो हमें x1 की वैल्यू 0 दी है, तो x2 हमें दी है 3, x2 हमें कितना दी है 3, ठीक है। जब x2 0 है तो x1 हमें कितना दी है, दैट इज़ 3/2, 3/2 मीन्स 1.5, 1.5 कहाँ पे आएगा, तो ये आएगा इसकी सेंटर में, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएं। हाँ जी, इसी तरह से x1 0 है तो x2 2 है, x2 0 है तो ये 2 है, तो यहाँ पे ये 2 आ गया और ये 2 आ गया। हाँ जी, नेक्स्ट स्टेप है, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये होगी सेकंड इक्वेशन। जो फर्स्ट इक्वेशन कहती है, जो मतलब फिजिबल एरिया दैट शुड बी ग्रेटर देन, और सेकंड इक्वेशन भी कहती है ग्रेटर देन होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रेटर देन का मतलब पहली इक्वेशन कह रही है कि सारा एरिया मेरे से ग्रेटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये सारा ग्रेटर एरिया आ गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है वो कहती मेरे से ग्रेटर, अब इसने कहा है कि मेरे से ग्रेटर होना चाहिए तो ये एरिया हम नहीं लेंगे, बट इसने भी ये कहा है कि ग्रेटर देन होना चाहिए, तो इसका जो लेस देन एरिया है उसको हम क्या करेंगे, रब कर देंगे। तो जो फिजिबल सॉल्यूशन आएगा वो ये सारा फिजिबल सॉल्यूशन होगा। इसको अनबाउंडेड भी कहते हैं बिकॉज इसकी कोई लिमिट्स नहीं है, ठीक है। बट यहाँ पे अभी हमें जो है 3 कॉर्नर्स फिर भी मिल रहे हैं, तो इनसे हम क्या कर सकते हैं, रिजल्ट पता कर सकते हैं मिनिमाइज का, ठीक है। तो कौन से एक आगे, एक तो 0, 3 आ गया है ना, एक तो हमारे पास वैल्यू आ गई 0, 3 की, दूसरी वैल्यू आ गई 2x1 2x2 0, ये भी ठीक है, और तीसरी आ गई यहाँ पे, ये दोनों मिल रहे हैं। तो जब दो इक्वेशंस आपस में टाई करती हैं तो इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। कैसे, 2x1 + x2 = 3, x1 + x2 = 2, ठीक है। माइनस 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 तो ये आ गया 2 - 1 x1 = 1, तो x1 हमारा आ गया 1, ठीक है, और x1 1 है। अगर x1 1 है तो x2 कितना आएगा, x2 भी 1 आ गया, तो इट मीन्स कि यहाँ पे x और उनकी वैल्यूज़ क्या आ गई, 1 1। अब हमने क्या करना है, जो मेन हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, मेन इक्वेशन है उसको लेना है, ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यूज़ पुट करेंगे।
फाइव इंटू वन, थ्री इंटू वन, एट आ गया। फाइव इंटू ज़ीरो, थ्री इंटू थ्री, तो ये नाइन आ गया। फाइव इंटू टू, थ्री इंटू ज़ीरो, तो ये टेन आ गया। तो मिनिमाइज का क्वेश्चन है, तो मिनिमम आंसर क्या है, एट। सो दिस विल बी द आंसर। तो ऑप्टिमम रिज़ल्ट तब होगा जब एक्स वन हमारा वन है और एक्स टू भी वन है, देन मिनिमाइज है जेड, दैट इज़ एट। दिस इज़ द आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेके जा रहे हैं, मैक्सिमाइज जेड फोर एक्स वन थ्री एक्स टू। ठीक है, ये हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। तो हम लोग पहले फर्स्ट इक्वेशन ले रहे हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन है एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू फिफ्टी। एक्स वन ज़ीरो, एक्स टू फिफ्टी। ठीक है, ये चीज़ ज़ीरो आ जाएगी तो ये इसकी इक्वल आएगी। एक्स टू ज़ीरो तो एक्स वन फिफ्टी। ठीक है जी, अब हम सेकेंड इक्वेशन लेंगे, एक्स वन प्लस टू एक्स टू इक्वल टू वन एट्टी। एक्स वन ज़ीरो, टू एक्स टू वन एट्टी, एक्स टू वन एट्टी बाई टू, इट इज़ नाइन्टी। एक्स टू ज़ीरो आ गई तो एक्स वन आ गई वन एट्टी। ठीक है जी। हाँ जी, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशंस की वैल्यू पुट करेंगे। एक्स वन ज़ीरो, एक्स टू फिफ्टी, एक्स टू ज़ीरो, एक्स वन फिफ्टी। ठीक है, तो ये आ जाएंगी, ये x250 और ये x150, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अब सेकंड इक्वेशन है x10, x290, 90 कहाँ पे आ गई, ये आ गई। x20, x1, 180, तो 180 कहाँ पे आ गई, ये 180 आ गई। ठीक है जी। हाँ जी, अब जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि फिजिबल सॉल्यूशन जो है, फर्स्ट इक्वेशन कहती कि बिलो लेस देन मेरे से होना चाहिए, कि फर्स्ट इक्वेशन से फिजिबल सॉल्यूशन लेस होना चाहिए। ठीक है जी, ओके। अब सेकंड इक्वेशन कहती कि जो फिजिबल सॉल्यूशन है वो मेरे से ग्रेटर होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या हुआ, फिजिबल सॉल्यूशन सेम नहीं आया, आ भी नहीं सकता, क्योंकि ये कह रही है लेस देन और ये कह रही है ग्रेटर देन। तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम कहेंगे कि ये जो क्वेश्चन है इसमें इनफिजिबल सॉल्यूशन है, फिजिबल तो है ही नहीं, तो इसको क्या कहेंगे, इनफिजिबल सॉल्यूशन। ठीक है जी, या ये कह सकते हैं कि इसका कोई कॉमन रीज़न नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इनका कोई कॉमन रीज़न नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका फर्दर जो है प्रोसेस नहीं कर सकते। ठीक है, नो सॉल्यूशन या इनफिजिबल सॉल्यूशन कहा जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकता है। हाँ जी, एक और एग्जांपल ले रहे हैं नो सॉल्यूशन की। तो हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं, पहले हम ये इक्वेशन लेंगे। ठीक है, एक्स वन ज़ीरो है तो एक्स टू माइनस टेन, एक्स टू ज़ीरो है तो x1 10 हो गया। ठीक है जी, क्लियर है। सेकेंड हम लोग लेंगे 2x1 माइनस x2 40, x1 0 है, x2 माइनस 40, x2 0 है तो x1 40 बाई 2, इट इज़ 20। हाँ जी, ग्राफ इस तरह से बनेगा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव x2 की वैल्यूज, और ये आ गया हमारा x1। ठीक है जी, तो सबसे पहले है x1 0, x2 माइनस 10। ठीक है, और x1 10, जो x1 लेना है वो हमने पॉजिटिव 10 लेना है और जो x2 लेना वो नेगेटिव 10 लेना है। ठीक है जी। हाँ जी, माइनस 10 को हमने क्या किया, 10 के साथ मिला दिया, तो ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। तो इसको पॉजिटिव जो है रीज़न में लेके जाना, बिकॉज एक्स वन और एक्स टू जो है ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो है। ठीक है, अब हम करेंगे सेकंड, एक्स वन ज़ीरो है तो एक्स टू माइनस 40, ये आ गया हमारा माइनस 40। एक्स टू ज़ीरो है तो एक्स वन आ गया 20, ये आ गया 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को मिलाएंगे।
हाँ जी, ये आ गई फर्स्ट इक्वेशन, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हमें क्या कहती हैं कि जो फिजिबल एरिया वो लेस देन होना चाहिए। जब नेगेटिव पोर्शन से हम पॉजिटिव में जाते हैं तो लेस देन का मतलब है टुवर्ड्स द ओरिजिन। तो टुवर्ड्स द ओरिजिन ये लेस देन एरिया आ गया दोनों इक्वेशंस का, ठीक है। बट यहाँ पे भी कोई भी मतलब एंडिंग नहीं है पहली बात। तो दूसरी बात ये है कि जो हमारा सोल्यूशन था वो नीचे फाइंड हो रहा था, हम लोग इसे ऊपर लेके गए हैं और इसका कोई भी बाउंडेड रीजन नहीं आ रहा। तो इस तरह के क्वेश्चन में भी हम लोग ये लिखते हैं कि यहाँ पे जो आंसर है वो इन्फिनेट अनबाउंडेड, ठीक है, रीजन है, ठीक। दूसरा इसका कोई सल्यूशन नहीं है, ठीक है। तो जो सल्यूशन वाले क्वेश्चंस हैं वो भी हमने कर लिए, जिनका कोई सल्यूशन नहीं है वो क्वेश्चंस भी हमने कर लिए। आपने इसी तरह से ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सिंप्लेक्स मेथड करेंगे। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू, हमेशा खुश रहें।